शानदार खबर पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में हैं सब भाई भाई। आज दिनांक 26 सितंबर 2018 दिन बुधवार को काशी पत्रकार संघ पड़ारकर भवन में यह कार्यक्रम किया गया। इस कथन को आज इस्लामिक सद्भावना फाउंडेशन भारत द्वारा एक कवि सम्मेलन एवं राष्ट्रवादी कवि सम्मेलन का काशी पत्रकार संघ पड़ारकर भवन में एक सभागार किया गया, जिसमें भारत के हर जाति हर धर्म के लोग मौजूद रहे। इस पर बात करके लोगों को सद्भावना का एक संदेश दिया गया, जिसमें बताया गया कि मानव जाति ही सबसे बड़ा धर्म है, मानव धर्म ही सबसे बड़ा धर्म है, मानव धर्म से बड़ा कोई धर्म नहीं। मुख्य अतिथि के रूप में कौन था इस कार्यक्रम में? मुख्य अतिथि के रूप में माननीय इंद्रेश जी आए थे, जो इस्लामिक सद्भावना फाउंडेशन के संरक्षक है और राष्ट्रीय स्वयंसेवक समिति की राष्ट्रीय कार्य समिति के सदस्य। अच्छा, तो कवि सम्मेलन भी था इसमें? हाँ, राष्ट्रवादी कवि सम्मेलन भी था। इस राष्ट्रवादी कवि सम्मेलन में अटल जी को काव्यांजलि दी गई और अटल जी की राष्ट्रवादी काव्य पाठ को यहाँ कवियों ने प्रस्तुत किया। ठीक है भाई साहब, धन्यवाद। इस्लामिक सद्भावना फाउंडेशन में एक कवि सम्मेलन भी हुआ है, जिसमें आपने कभी अपना कविता सुनाई है जी। तो मतलब किस दिशा पे सुनाया है? मैंने आपके हिंदुस्तान के लिए जो मुकम्मल में इस जगह जहाँ पर रहता हूँ और उसकी आगे बढ़ाने की तलाश दिया है। एक चार पंक्ति में उनकी कहना चाहता हूँ, वहाँ पहुँचा दिया जाए हमारी जी। जो मैं कहना चाहता हूँ जी, हम एक सदा साथ में रहे, हम एक सदा साथ में रहे। आतंकियों से कह दो कि औकात में रहे, आतंकियों से कह दो कि औकात में रहे। और हिंदू मुसलमान सिख ईसाई की एकता, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई की एकता, मिट ना सके वो कितना खुराफात में रगे। आतंकियों से कह दो के औकात में।